पंजाब सरकार की वड्डी जानकारी वड्डी अपडेट निकल गए सामने आ रही। पंजाब सरकार देन जा रही है पंजाब के वासियों नूं तोहफा। हाँ जी 2500 बुढ़ापा पेंशन स्कीम, हाँ जी बेसहारा अंग ही 2500 पेंशन स्कीम जनवरी के पहले महीने शुरू हो सकती है। तुहानूं पूरी जानकारी सांझी करांगे। हाँ जी जो बजट बना के पेश किया गया है इसके संबंधी किन्नियां नूं पेंशन किन्नी मिली, हाँ जी बुढ़ापा विधवा बेसहारा अंग इन्हां नूं किन्ने लाभपात्रियों ने किन्नियां पेंशनों का लाभ लिया, किन्ने पैसे उन्होंने अकाउंट में पाए गए हैं, इस संबंधी भी जानकारी तुहानूं सांझी की जाएगी। बने रहिए वीडियो का अखीर तक। जेकर चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो में पहली बार देख रहे हो तो अपने वीडियो में लाइक कर लो, चैनल में सब्सक्राइब कर लो, तो लगवा बेल वाली घंटी भी जरूर दबा लिया जाए तो जरूरी जानकारी पंजाब सरकार की केंद्र सरकार की अगे आने वाले दिनों में भी तुहानूं मिलती रहे। इस दे नाल नाल एक हो जरूरी सूचना है तुहाडे वास्ते, जेकर तुसीं चाहुंदे हो हर महीने तुहानूं पेंशनां दा लाभ मिलता रहे तुहानूं एक काम करना बहुत जरूरी, आधार कार्ड नाल लिंक ना होण ते पैन कार्ड बंद हो जाएगा। आमदन कार्ड विभाग ने जारी की एडवरटाइजरी, हाँ जी जेकर तुसीं अपने पैन कार्ड नूं आधार कार्ड नाल लिंक नहीं करते तो यह बंद हो जाएगा। चलो जी लैके चलते जो तुहानूं तोहफा मिलने वाला पंजाब दे वासियां नूं जनवरी 2023 दे विच पहले महीने तुहानूं तोहफा मिलने वाला, उस संबंधी जानकारी सांझी की जा रही है। उस दे मुताबिक तुहानूं जानकारी दित्ती जाएगी। वीडियो नूं कट ना करे जे वीडियो वधिया लगे लाइक जरूर कर लै जे। हाँ जी आप सरकार औरतों नूं 1000 रुपये प्रति महीना भत्ता बुढ़ापा पेंशन स्कीम समेत पंजाबियों नाल कीते होर वादे लागू करन। समाजिक सुरक्षा स्कीमां दा लाभ वध तों वध लोकां तक पहुंचाउण लई डिप्टी कमिश्नर जसप्रीत सिंह ने शुक्रवार नूं अधिकारियों नूं पेंडू खेतरां विच ब्लाक पद्धर ते वध तों वध पेंशन कैंप लाउण दे निर्देश दित्ते। इत्थे ही जिला प्रबंधकी कंपलैक्स विखे इक समीक्षा मीटिंग दौरान डिप्टी कमिश्नर ने दस्सिया कि पिछले महीने कुल 208,234 लाभार्थियों वल्लों 31,23,51,000 रुपए की महीनावार पेंशन का लाभ प्राप्त किया गया। इन्हां विचों 1,37,529 लाभार्थियों नूं 20,62,93,500 रुपए बुढ़ापा पेंशन, 46,389 लाभार्थियों नूं 6,95,68,500 रुपए विधवा पेंशन प्राप्त हुई। इसे तरह 12,223 अनाथ बच्चों वालों 1,83,34,500 रुपए और 12,103 दिव्यांग लाभार्थियों वालों 1,81,54,500 रुपए की महीनावर पेंशन का लाभ लिया गया जो हुण तक। इस दे नाल नाल अगे होर जानकारी सांझी करदे ने 2022-2023 दे बजट दे विचार वटांदरे विच भाग लैंदिया मनप्रीत सिंह अयाली ने कहा कि महिलावां जिन्हां ने आप सरकार बनाउण विच अहम रोल अदा कीता है अपने आप नूं ठग्या महसूस कर रहियां हन। उन्हां कहा कि सरकार ने औरतां वास्ते कोई फंड राखवां नहीं रख्या, जिस तों स्पष्ट है कि इस साल इस स्कीम लागू नहीं की, जबकि उन्होंने सरकार वल्लों कीते वादे अनुसार बुढ़ापा पेंशन स्कीम लई भी फंड राखवां ना रखण दी रंगेदी की। अयाली ने कहा कि भावें सरकार 1.55 लाख करोड़ रुपए का बजट लैके आई है पर यह खर्चे लिए आमदन का स्रोत दसन विच नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि GST रिफंड का दौर खत्म हो रहा है जिस नाल केंद्र तो मुआवजा मिलना भी बंद हो जाएगा। इस दे नाल अगे कहिंदे ने अज इत्थे समाजिक सुरक्षा ते इस्तरी ते बाल विकास विभाग वालों चलाईयां जा रही स्कीमां संबंधी डॉक्टर बलजीत कौर ने दस्सिया कि पेंशन स्कीमां दा लाभ समाज दे जरूरतमंद नागरिकां नूं पहुंचाउण लई 15 जनवरी 2023 नूं सुविधा पेंशन कैंप लगाए जाणगे। हाँ जी जो 15 जनवरी 2023 नूं जो पेंशन कैंप लगाए जाणगे इस दे विच ही तुहानूं जानकारी मिलेगी कि तुहाडी 2500 बुढ़ापा पेंशन स्कीम लागू होवेगी कि नहीं होवेगी। इस संबंधी तुहानूं जरूरी जानकारी होर भी चाहिए होवे तां तुसीं अपने चैनल नूं सबसक्राइब करके बैल नोटिफिकेशन नूं ऑन करके रख लो।